14 अप्रैल 2018 को जब देश भर में राम नवमी मनाई जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंगदपुर गांव में रहने वाले राकेश शर्मा ने रामचरितमानस को उसी तरह लिखने का फैसला किया जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने 17वीं सदी में किया था। मैं अब तक जो इसमें रामचरितमानस और ऋषि मुनि की कथा 1684 पेज तक मैं लिख चुका। राकेश शर्मा ने सरकंडे से बनी कलम का इस्तेमाल कर इस महाकाव्य को लिखने की साधना शुरू की। सरकंडा एक लंबा घास जैसा पौधा है जिसका इस्तेमाल कलम सहित कई हस्तशिल्प बनाने के लिए किया जाता है। काफी समय से मैं रामायण के इसमें लगा हुआ हूँ और बहुत समय पहले हमारी सिस्टर के आशिक बड़ी बहन के आशिक रामायण का पाठ करता था और मैं वहाँ जाता था। उस टाइम में कक्षा 6 में पढ़ता था और जब से मुझे इसमें लगन लगी मैंने ग्रंथ बहुत पढ़े लेकिन मुझे इतनी आनंद और तसल्ली कहीं नहीं हुई जितना मुझे इसमें हुआ। राकेश शर्मा का कहना है कि वे जल्द ही रामचरितमानस को सरकंडे की कलम से लिखने का काम पूरा कर लेंगे। वह इस अनूठी रामचरितमानस को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अर्पित करना चाहते हैं।